गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है एंड अभी 8 बज रहा है। सो मतलब थोड़ा कल रात में लेट से सोए थे इसलिए 8 बज गया। सो 8 बजे, 7:30 बजे मैं उठी हूँ एंड थोड़ा सा मैंने काम कर लिया, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया। उसका सोचा कि चलो मैं आप लोग से बातें कर लूँ। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा घर गंदा है, बहुत ज़्यादा। ये मेरे हबी सिर्फ अकेले रहते थे इसलिए घर बहुत ज़्यादा गंदा है। एंड आज सारे वो साफ सफाई करूँगी, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। पूरा पॉसिबल नहीं है एक वीडियोस, एक छोटा सा वीडियोस में दिखाना, बट मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या कर रही हूँ मैं। एंड गाइस, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे आके। एक होता है ना कि इतने मंथ बाद आप आओ तो मतलब जगह जब चेंज होता है तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। एंड मेरे बाबू को भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, वो तो बहुत ज़्यादा रो रही है। मतलब वो मतलब जैसे होता है ना कि आप जब तक उसको उसके साथ खेल रहे हो तब तक वो खेल रही है, उसके बाद फिर रोने लग रही है। एंड थोड़ा अजीब लग रहा है गाइस यहाँ पर आके, बट हाँ धीरे धीरे मन लग जाएगा क्योंकि किसी को भी थोड़ा सा मन लगाने के लिए 2-3 दिन चाहिए, तो 2-3 दिन बाद खुद ऑटोमेटिक मन लग जाएगा। एंड गाइस, अब तो फिलहाल मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि मेरे हबी काम करते थे एंड देन गाना बनाते थे तो चले जाते थे, तो घर का साफ सफाई उनसे हो नहीं पाता था। एंड ऐसे जब मेरी बाबू हुई थी नवंबर में, तो मैं दिसंबर में आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, बट घर इतना साफ़ नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि 10 दिन के लिए आई थी। एंड उसके बाद फिर मैं आज आई हूँ, मतलब दिसंबर से 2 में गई हूँ, फिर मैं आज जून में आई हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा घर गंदा है। एंड जो लोग मतलब हस्बैंड वाइफ रहते होंगे एंड जो जिनकी वाइफ चली जाती होंगी उसके बाद वो आते होंगे तो उनको मालूम होगा घर के एंड कितना ज़्यादा घर गंदा कर देता है लड़का लोग। सो उन वाइफ लोगों को मालूम होगा कि लड़का लोग कितना घर गंदा करता है। सो गाइस, क्या करें, अभी तो हंसी आ रही है बट बहुत ज़्यादा घर गंदा है गाइस, बहुत ज़्यादा। पता है मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ से साफ़ सफाई मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वैसे तो मेरे हबी कल रात में खाना बना दिए थे, वो बोले कोई बात नहीं मैं खाना बना दे रहा हूँ, तुम चले जाओ, तुम अपना जो भी करना कर लो। वैसे तो मैं यहाँ पे पहुँची थी 5 बजे गए, मैं पटना से जब चली थी ना 1:30 बजे चली थी, तो फिर मैं यहाँ पे 5 बजे तक पहुँच गई थी। ऐसे मैं थोड़ा सा काम किया आके, उसके बाद फिर मन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए। सो आज सुबह का टाइम है, सो चलो काम। एंड चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मैं अभी अपने किचन में आ गई हूँ कि मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा था गाइस, इसलिए मैं सोची कि पहले किचन को मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बनाऊँगी। तो गाइस, ये देखो पहले गाइस, अभी मेरे को ये साफ करना है एंड इतना सारा साफ करना आप देख रहे हो। एंड ये देखो, ये वॉकी टॉकी है गाइस, ये मेरे अभी को काम आता है एंड इसलिए वो मंगवाए हुए हैं। सो इसका 3-3 डब्बा है। एंड ये देखो गाइस, कितना ज़्यादा घर गंदा है। तो चलो पहले फटाफट इसे साफ कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ मेरे अभी बाहर जा रहे हैं एंड मैं उनको बोली मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, तो शर्मा गए एंड बोले कि ठीक है लो बना लो, उनको लग रहा मैं मजाक कर। एंड आप लोगों से मैंने सुबह में बात किया था, सो उसके बाद मैं काम में बिजी हो गई थी। आप लोगों ने देखा ना कितना घर फैला हुआ था एंड बहुत ज़्यादा काम हो गया था। सो गाइस, मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले नहा के एंड अपनी बेबी को मैं खाना खिलाने लगी थी। सो उसके बाद मैं कुछ फेस में लगा लूँ, नहा के आई हूँ। एंड ये देखो गाइस, मेरा ये ड्रेसिंग टेबल है एंड कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं इससे साफ़ करूँ या पहले मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। सो यही होता है ना कि अगर आप इतने दिन के लिए कहीं जाते हो ऊपर से, मतलब ऐसे अगर आप घर छोड़ के जाते हो तो कोई बात नहीं, एंड अपने हबी पे घर अगर छोड़ के जाते हो बहुत ज़्यादा घर गंदा होने वाला है। एंड मेरी बाबू रोने लगी थी गाइस, आप यहाँ देखो, ये देखो खेल रही है। एंड पता है बच्चे की प्रॉब्लम मुझे समझ में आता है, वो ना खिलौना से नहीं खेलेगी, आप जितना उसके पास खिलौना रख दो नहीं खेलेगी, बट आप उसको दो एक प्लास्टिक का डब्बा दो, मतलब फूट का डब्बा दो, उससे वो खेलेगी है। देखो आप, अब मैंने उसको नहीं दिया ना तो रोने लगी। हाँ
सो चलो गाइस, चलो मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, बस सीरम लगा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत काम अभी भी मेरे को करना है। एंड ये जो सीरम है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं नहीं कभी भूलती हूँ, सब चीज़ मैं भूल जाऊँ बट एक चीज़ नहीं भूलती, वो है लिपस्टिक। गाइस मुझे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड अगर लिपस्टिक में अगर आपको रेड कलर मिल जाए ना तो क्या कहना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड कैसा लग रहा है गाइस, कैसा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है ना। ये मुझे साफ करने दे तब तो गाइस, ये मुझे साफ करने दे तब तो, देखिए रोने लगी, पता है कुछ काम नहीं करने देती है, कुछ काम नहीं। देखिए देखिए इसको कहाँ चढ़ना है, देखिए आप लोग देख रहे हो कहाँ इसको चढ़ना है, कहाँ चढ़ेगी, पता है इसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। एंड तुम शरारती बच्चा है ना, वो है शरारती बच्चा है। सो गाइस चलो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। एंड इसको पहले मैं इसके साथ थोड़ी खेल लूँ एंड इसको कर लूँ, एंड आई नो कि फिर मेरा ये भी साफ नहीं हो पाएगा। सो चलो इसे मैं थोड़ी देर की बात करती हूँ, वरना क्योंकि मेरे हबी भी नहीं, आप लोगों ने देखा ना वो चले गए काम पर, एंड इसको मैं अकेली हूँ घर पे। सो इसको अगर मैं छोड़ के काम करने लगी तो ये तो बहुत ज़्यादा रोने वाली है। तो चलो गाइस साफ कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ मेरे बाबू का आप देख रहे हो कितना खेल रही है, क्योंकि उसे ना बहुत इतनी खुशी मिल गई कि उसके पास मैंने सारा सामान ही उतार कर रख दिया, उसे लग रहा है मैं क्या क्या ले लूँ क्या क्या नहीं लूँ, एकदम खुश हो गई है, उसके उसके सामने ही सारा सामान है। एंड वो मेरी लिपस्टिक से खेल रही है गाइज, आप ये देखो कैसे। एंड यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत सारा सामान था गाइज मैनेज करना, क्योंकि मेरे मतलब एक्स्ट्रा भी सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया था। सो गाइज ये रहा, कैसा लग रहा काम में बताना, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। सो मैं आप लोगों को पूरा फुल लुक दिखाती हूँ गाइस, यहाँ मेरे हबी चिकन एंड राइस बना रहे हैं। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।